हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के हमारी वीडियो पर। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि नवंबर और दिसंबर का मंथ चल रहा है, तो इसमें कई तरह के पौधे लगाए जाते हैं। जैसे हम लोग फूल का पौधा मार्केट से खरीद कर लगाते हैं दोस्तों, पर आज आपको मैं दिखाती हूँ कि मैंने कटिंग द्वारा छोटे छोटे पौधे कैसे तैयार किया है दोस्तों। तो आप मेरी वीडियो पर देख रहे होगी तो मेरी वीडियो को करना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब दोस्तों, क्योंकि मैंने इस तरह से छोटे पॉट में मैंने ये हमारे डालिया का पौधा है इसको मैंने लगाई हूँ। तो आपको इसको किस तरह से फिर आपको छोटे गमले से बड़े गमले में ट्रांसफ़र करना है तो मैं आपको लगाकर अपनी वीडियो पर बताऊंगी दोस्तों। आप इस तरह से घर पे पौधे कैसे तैयार करोगे, क्यों तैयार करोगे, तो आप यदि तैयार कर लेते हो तो ये क्या होगा कि अभी अक्टूबर का मंथ चल रही है पर नवंबर तक ये पौधे बिल्कुल फ्लावर देने तक ये रेडी हो जाएगी और इनकी फ्लावर बहुत ही बड़े बड़े और खूबसूरत सुंदर तैयार होंगे दोस्तों। तो मैंने देखिए इस तरह से मैंने तो ये घर पे तैयार किया है, पर ये मैंने कुछ मार्केट से भी लाई हूँ खरीद कर, जो आप देख सकते हो कि ये मार्केट द्वारा किस तरह से लाई हुई ही पौधे हैं। तो देखिए ये कुछ हमारे पौधे जो हैं इस तरह से गेंदे का पौधे हैं, छोटे छोटे गेंदे। ये गेंदे का पौधे आप अभी लगाती हो तो ये बिल्कुल आपको 15 दिन में फ्लावर देगी दोस्तों। इसको देख रहे हो कि ये फ्लावर किस तरह से देगी और इस फ्लावर को आपको देख रहे हैं कि पौधे कितने छोटे हैं, पर आपका पौधा छोटे हैं लेकिन इसका फूल आपको बहुत ही बढ़िया मिलेगी और ये फूल बहुत ही अच्छे देगी, क्योंकि इसका फूल जो आप देखोगे दोस्तों तो इसका तो बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स आपको आएगी फूल पर। फूल आप जब तोड़ोगे या देखोगे कि कितना सुंदर ये बिल्कुल गुलदस्ते की तरह इसमें लगेगी। अभी देखने से ये काफ़ी छोटे हैं, बहुत ही नाजुक कलियां हैं। इसको आप घर पे कैसे लगाते हो, क्योंकि इसको मैं आपको दिखाती हूँ कि ये गमले जिस तरह से मैंने आपको दिखा रही हूँ छोटे गमले में किस तरह से देखिए ये छिद्र कर कर इसमें लगाई हुई है पौधे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये कितने छोटे गमले में किस तरह से पौधे लगे हैं। इनकी जड़ जितना छोटा गमला रहेगा उतना ही छोटे इनके जड़ रहेंगे। ये यदि बड़े गमले में आप ट्रांसफ़र करते हो तो इसका क्या होगा कि जड़ धीरे धीरे बड़े होंगे और वो पौधे आपको फ्लावर देने लायक हो जाएगी। तो आप देख सकते हो कि इनके पौधे किस तरह से ये छोटे छोटे फ्लावर देने लायक हो गए होंगे, क्योंकि इन ये तो बीज से उगाया हुआ पौधा है जो आप देख रहे हैं कि ये बीज से किस तरह से उगाई हुई है दोस्तों। आपने बीज से गेंदे के पौधा किस तरह से उगाते हो सो आपको मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगी किस तरह से गेंदे का पौधा बीज से उगाई जाती है दोस्तों। ये भी तो बीज से ही तैयार किया है, पर आप ये पौधे जब आपको ये कम से कम 2 इंच 2 फीट का हो जाएगी तो आपको क्या करना है कि आपको इसको कट कर लेना है। कट करने से क्या होगा, उसकी कलियाँ, उसकी नाजुक नाजुक कलियाँ वो बहुत तरह से तैयार होगी और वो पौधे बहुत ही खूबसूरत लगेगी देखने से। तो मैं आपको इसको जड़ निकाल कर दिखाती हूँ कि इनकी जड़ किस तरह से आई हुई है, और मैं अपने पौधे का भी जड़ इस तरह से निकाल कर मैं दिखाती हूँ, क्योंकि देखिए ये जो आप पौधे देख रहे हैं दोस्तों कि इनकी जड़ ये देखिए इस तरह से गमले से बाहर मैंने निकाल दी है। ये गमले में देखिए कि इनकी छिद्र कितने बड़े हैं, ये बिल्कुल इसमें पानी नहीं ठहरेगी, क्योंकि इसमें गमले में जो छिद्र है इसको पौधे हम लोग लगाते हैं और गमले में हम लोग छिद्र नहीं करते हैं दोस्तों, तो उससे क्या होगी कि इसकी पानी जो है ये पौधे तक रह जाएगी और इनकी नाजुक कलियां जड़ जो है वो गल जाएगी। तो आप देखिए इस तरह से मैंने इस पौधे को जड़ निकाल दिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। आप अच्छी तरह से देखिए कि इनकी जड़ किस तरह से मैंने निकाल कर दिखा रही हूँ। तो दोस्तों देखिए इस तरह से मैंने आपको जड़ दिखा रही थी, पर देखिए ये इनकी मिट्टियाँ मैं झाड़ दे रही हूँ और ये इनकी जड़ देखिए कि किस तरह से इनके जड़ आए हैं। ये जड़ जो आप देख रहे हैं दोस्तों कि इनकी जड़ कितनी खूबसूरत और कितनी बढ़िया तरह से इसमें लगे हुए हैं, पर आपको इसको क्या करना है कि दूसरे गमले में आप लगा सकते हैं और ये पौधे बहुत ही बेहतरीन लगेगी, इसको जड़ लगाने में बहुत ही अच्छे लगेगी दोस्तों। तो चलिए मैं आपको ये मार्केट से खरीदी हुई पौधे दिखाई हूँ गेंदे का, और मैं एक डालिया का भी दिखाती हूँ दोस्तों कि ये मैंने पौधे मैंने मार्केट से ख़रीद कर लाई हूँ, फ्लावर शॉप के पास से ख़रीद कर लाई हूँ।
पर मैंने घर पर भी कुछ पौधे तैयार कर लेती हूँ कटिंग द्वारा दोस्तों। तो इसको देखिए, इस तरह से मैंने मार्केट से खरीद कर लाई हूँ। अब इसका जड़ मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से ये इनके जड़ हैं। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने मिट्टी निकाल दी है। इनके भी जड़ देखिए, इस तरह से जड़ हैं। ये इनके जड़ अभी निकल आ रहे थे दोस्तों। ये भी कटिंग द्वारा लगता है कि तैयार किया गया है, क्योंकि इसको भी जड़ देखिए इस तरह से निकली हुई है छोटे छोटे, और ये घने भी हो जाएंगे। पर दोस्तों, ये छोटे भी पौधे में बहुत ही बढ़िया तरह से इनकी पौधे फूल खिलेंगे, और फूल खिलेंगे तो मैं आपको अब अपनी गार्डनिंग का पौधा दिखाती हूँ। ये मैंने आपको घर पे तैयार किया है कटिंग द्वारा। तो इनके जड़ मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से इनके जड़ तैयार किया है। तो ये भी आप एक बार देख ले, एक नज़र मेरी वीडियो पर ज़रूर देखें दोस्तों। मेरी वीडियो को देखते हुए आप आगे समझने का कोशिश करें, और इस पौधे को कटिंग द्वारा लगाने का भी तैयारी कर सकते हैं, और ये नहीं तो आप लगा कर अजमा भी सकते हैं दोस्तों। मैंने तो कटिंग द्वारा लगा कर अजमाई हूँ, बहुत सारे पौधे हो जाते हैं, पहले के पौधे नहीं होते थे। तो देखिए, इस तरह से मैं निकाल कर आपको दिखा रही हूँ अपनी वीडियो पर। ये देखिए, हमारी जड़ उससे बढ़िया, बहुत ही बढ़िया आई है। इसलिए दोस्तों कि इसका कारण क्या है कि हमारे इस पॉट की मदद, इस पॉट को जो आप देख रहे हैं, इस पॉट से बहुत ही बड़े हैं, इसलिए इनके जड़ काफ़ी बड़े हो चुके हैं और ये बड़े आए हैं। अब इसको क्या करना है कि मैं आपको एक दिखाई हूँ। अब आप देख सकते हैं कि ये मैं चारों को दूसरे गमले में लगाकर मैं दिखाती हूँ कि इसकी जड़ किस तरह से आई है। ये भी बिल्कुल उसी रूट की तरह आई है दोस्तों। तो आपको मैं फिर से दिखाती हूँ, ये दो और हैं मेरे, इसमें चार लगे हुए हैं। तो इसको क्या करना है, इस तरह देखिए दोस्तों, इनकी भी उसी तरह से आई हुई है, और ये देखिए इनके कुछ थोड़े सा जड़ आए हैं दोस्तों। इस तरह से मैंने तो सारा का सारा इसको निकाल दिया है। अब इसको क्या करना है कि आपको देखिए, इस तरह से इनके जड़े जो हैं वो काफ़ी आए, काफ़ी बड़े तरह से, माने घने तरह से आए हैं। तो आप इसको जड़ को देख सकती हैं कि ये जड़ कितनी खूबसूरत और कितने अच्छे तरह से आए हैं। तो चलिए मैं आपको लगाकर बताती हूँ कि गमले में किस तरह से लगाया जाता। तो दोस्तों, ये हमारे चार डालिया है, ये पांच डालिया मैंने ले लिया है, और ये देखिए इस तरह से। अब आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने गेंदे के पौधे आपको दिखा रही थी निकाल कर, तो इस गेंदे के पौधे को आपको मैं लगाकर दिखाती हूँ कि किस तरह से लगाया जाता है। तो चलिए मैं आपको सारे पौधे को लगाकर दिखाती हूँ। तो दोस्तों देखिए, इस तरह से मैंने हर गमले की मिट्टी, इस तरह से देखिए मैंने गमले में मिट्टी तैयार किया है। अब इसमें क्या करना है, आपको इस तरह से हॉल कर देना है, जैसे कि मैंने देखिए इसमें छोटा हॉल करें, क्योंकि पौधे लगने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए, ये हम डालिया का पौधा देखिए इसमें डाल दे रही हूँ, और मैं दिखाती हूँ इस तरह से हॉल कर। ये भी मैं डालिया ही का ही पौधा लगाई हूँ, और भी देख सकती हूँ मैंने इस तरह से, आप इसको हॉल बनाकर डाल सकती हो। तो देखिए, इस तरह से आपको पौधे लगाना है। आप ज़रूर देखिए, इस तरह से पौधे लगा लोगे दोस्तों तो ये आपको बहुत ही इसका रिस्पांस मिलेगी। ये आपको नवंबर से दिसंबर मंथ में फ्लावर खिलेंगे। फिर हम आपको जब फ्लावर खिलेगी तब मैं आपको दिखाऊंगी लगाकर, फूल जब खिलेंगे दोस्तों तब मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये हमारे सारे पौधे मैंने इसमें लगा दिया है। आप देख सकते हैं एक एक करके, आप देखिए कि मैंने गमले में किस तरह से लगाई हूँ दोस्तों। आपको इस तरह से लगाना पसंद आया है तो आप बस पौधे लगाएं, फूल का पौधे लगाएं। इस तरह से मैंने सारे पौधे लगाई हूँ। तो आपको इस तरह का जानकारी कैसा प्राप्त होगा दोस्तों? यदि इस तरह का जानकारी अच्छा लगा होगा तो मेरी वीडियो को कर देना लाइक, और चैनल को करना सब्सक्राइब दोस्तों। बाय बाय।